क्या मानते हैं किस वजह से निकाला गया है आपको पार्टी से? देखिए, सवाल भाजपा या किसी पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल देश का है। और मैं कल तक कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं और देश मोदी के साथ है। इसलिए कल तक क्या हुआ मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता और भारत का ध्वज पूरी दुनिया में फहराने का काम, लहराने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और अब मैं मोदी के साथ हूं। लोग आपको इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि आप भाजपा ज्वाइन करेंगे? कल क्या होगा मुझे नहीं पता। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन फिलहाल मेरा जो फोकस है, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो ध्यान है, वो श्री कल्कि धाम के भव्य और दिव्य मंदिर बनाने की तरफ है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, राजनीति बहुत छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। सनातन की पुनर्स्थापना का समय है ये। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना और श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखा जाना, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होना, ये सनातन के गौरव का विषय है, भारत के लिए गौरव का विषय है और हमारे सबके लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं इन गौरवान्वित पलों को खोना नहीं चाहता। मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किस पद पे आऊंगा, मेरा सम्मान होगा, मेरा अपमान होगा, मैं अब इन चीजों के झमेले में पड़ना नहीं चाहता। मुझे परमात्मा की कृपा से वो दिन देखने को मिला है जिसके लिए मैं 18 वर्षों से तपस्या कर रहा था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, मेरे भावना को स्वीकार किया। भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि भगवान के श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। बस मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऋणी हो गया और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।